हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कभी भी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जब भी हम लोग अनियंस को चॉप करते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू क्यों आते हैं, हमारी आंखें इरिटेट, हमारी आंखें बर्न क्यों करती हैं। सो यस, यही जानने के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है और ये वाली वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसके पीछे बहुत सारा फन फैक्ट भी छुपा हुआ है। गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। और मैंने ये वाली वीडियो पूरी रिसर्च करके बनाई है कि ऐसा क्यों होता है। फर्दर जानकारी के लिए आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। सो आपको पता होगा, जब भी आप उन अनियन काटते हैं ना तो हमारी आँखों में से पानी निकलने लगता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम रोते नहीं हैं, हमारी आँखों में से बस टीयर्स निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए, क्योंकि यस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके पीछे का बहुत इंटरेस्टिंग सा राज है। तो देखो, मेरे पास यहाँ पर है अनियन। अनियन कंटेन करता है एक एंजाइम। एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन कंटेन करते हैं और रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं। देखो, अनियन जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बमेंट होते हैं ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो काफ़ी ख़तरनाक एसिड होता है। और इन दोनों का रिएक्शन बनकर हम लोगों को मिलता है सल्फ्यूनिक एसिड। ये बाद में फर्दर हम लोगों का जब रिएक्शन करेगा, जब ये बनेगा, तो हम लोगों को एक और एक केमिकल को जन्म देगा, बर्थ देगा, जिसका नाम है साइन प्रोपैनिथियल एस ऑक्साइड। ठीक है जी, ये वाला जो केमिकल हमारी बनेगा, ठीक है। तो जब भी ना ये क्या बनेगा ना, ये हमारे एयर में क्या करेगा, ऑक्साइड हो जाएगा। ऑब्वियसली वो केमिकल हमारी आँखों में भी कुछ चला जाएगा। तो अब देखो, अगर हमारे कोई केमिकल आँखों में चला जाएगा, माइट भी वो केमिकल हमारी आँखों को डैमेज कर दे। इसलिए फटाफट से हमारी आँखों में एक रिएक्शन होता है, जिसमें से हमारे आँखों में टीयर्स निकलते हैं, और वो टीयर्स के साथ साथ हमारे आँखों से जो केमिकल रहता है वो भी निकल जाता है। तो ये सब होता है जब भी हमारे आँखों में से आंसू आते हैं। वो आंसू नहीं होते, वो आंसुओं के साथ जो केमिकल, जो साइन प्रोपैनिथियल एस ऑक्साइड है ना, वो भी निकल जाता है। देखते हैं इसकी महाभारत क्या है। तो देखिए यहाँ पर, व्हेन एन ऑनियन इज स्लाइस्ड और डाइस्ड, द अनियंस सेल रिलीज दीज कंपाउंड इन द एयर। वेन दिस अकर्स, एंजाइम वर्क टू ऑल्टर द अमीनो एसिड इन टू लैक्ट्रा बैक्टर कंपाउंड। दिस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इरीटेट द नर्व अराउंड द आई, मेकिंग देम टीयरी। तो देखो यहाँ पर, ये जो अमीनो एसिड, एक लाइक्रोबैक्टर कंपाउंड, ये एक कंपाउंड होता है सल्फ्यूरिक एसिड का ही, जो हमारी नर्व्स को इरिटेट करता है और हमारी आंखों में से टीयर्स आते हैं। ठीक है, अब हम वापस से एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इट टर्न्स आउट दैट अनियंस आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग सल्फर। इनके पास सल्फर को एब्जॉर्ब करने की अच्छी अच्छी क्षमता होती है। विच दे यूज़ इन अ नंबर ऑफ अमीनो एसिड। व्हेन यू कट एन अनियन, यू ब्रेक ओपन सेल आफ्टर सेल, रिलीजिंग दैम लिक्विडी कंटेंट, रिलीजिंग द लिक्विडी कंटेंट। तो देखो अब हमारे अनियंस के अंदर भी कुछ सेल्स होंगे, राइट? जब भी हम लोग एक अनियन को चॉप करते हैं तो उसके जो सेल्स, जो सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए सेल होते हैं, वो भी कट जाते हैं। तो वो सेल जब कट जाते हैं तो उसके अंदर से भी एक एयर रिलीज होगी, राइट? और वही एयर हमारी आँखों में जाकर हमारी आँखों को इरीटेट करता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि भाई ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे करें। हमेशा हमारी आंखों में से टीयर्स आते हैं तो हमारी अच्छी बात तो नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अनियन को पील करना है, उसको आपको उसके बाद रेफ्रिजरेट कर देना है 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए, मीन्स आधे घंटे के लिए उसको आपको रेफ्रिजरेट कर देना है। उसके बाद आपको रेफ्रिजरेटर में से निकालना है और उसको चॉप कर देना है, कट कर देना है, डाइस कर देना है। इससे क्या होगा ना, जो एंजाइम्स जो आपका रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं ना, वो थोड़ा सा लोअर कर देंगे अपने रिएक्शन, क्योंकि वो रेफ्रिजरेट हो गए। अब वो जो प्रोसेस जो टेक प्लेस करेगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो हमारी आँखों में से टीयर्स भी नहीं। So now let's see which type of onion makes you cry the most. The onions that contain the most sulfur compounds are the yellow, red and white ones, meaning these are the most likely to make you cry. Sweeter green onions have less sulfur and therefore could be a good option for those who are particularly sensitive to the sting. मतलब जो अनियन के अंदर ज़्यादा सल्फर होता है वो हम लोगों को ज़्यादा क्राई करवाता है,
कंपेरेटिवली विद द ग्रीन वंस। अगर हम लोगों को देखना है अनियन की एज के हिसाब से, सो लेट्स सी दिस। फ्रेशर अनियंस आर लेस लाइकली टू कॉज क्राइंग देन दोज दैट हैव बीन स्टोर्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। माइट बी इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि जो भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनियंस रखते हैं उसके अंदर सल्फर का जो लेवल होता है, जो कंटेंट होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता हो। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली है अनियन के बारे में। आई होप कि सबको ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। मैंने ट्राई किया कि मैं आप लोगों को इस सब का बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर 6 मिनट्स into this video. Thank you for watching. Bye. Take care. And yes, share this video with all your friends. Bye.